वैसे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज आजकल फ्यूचर के लिए ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव की तलाश में इंटरनल कंबशन इंजन या कहे इंजन वाली गाड़ियां, जिसे टेक्निकली ICE भी कहा जाता है, उससे दूर होती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले दशक में ट्रेडिशनल फ्यूल गाड़ियों यानी कि इंजन वाली गाड़ियों से जो पोल्यूशन हो रहा है, उसके बेहद ही खतरनाक इफेक्ट्स ने साइंटिफिक दुनिया को एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ने का कारण दे दिया है। आजकल आप रोड पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तो जरूर देख रहे होंगे। बैटरी से चलने वाली ये गाड़ियां एक अल्टरनेटिव सस्टेनेबल तरीका है। वहीं बात करें हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ियों की, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तुलना में और भी ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए ऑटोमोबाइल कंपनीज ने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में बड़े स्केल पर छलांग लगाई है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जीरो इमर्शन गाड़ियों को जहां ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रही है, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करते हुए भी दिखाई दे रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 GW तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। जैसे कि अभी इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंडिया में पहली ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस FCEV को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य इंडिया में हाइड्रोजन पावर्ड गाड़ियों को लॉन्च करने का है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल्स केवल गाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड के फ्यूचर्स को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। तो क्या है ये हाइड्रोजन कार और क्यों ये इतनी अलग है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से? तो आज सिंपल टेक्नोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हाइड्रोजन कार की इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जहाँ हाइड्रोजन इंजन को समझने से पहले हम पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है। ईवी या कहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि बैटरी में स्टोर्ड होती है, उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स में से एक है बैटरी पैक। ईवी के फ्लोर में एक बड़ा सा बैटरी पैक लगा होता है, जिसे चार्ज करके हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये बैटरी पैक ईवी का प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर है, जो कि टिपिकली लिथियम आयन बैटरी से बना हुआ होता है। जब हम बैटरी को एक्सटर्नली चार्ज करते हैं, तो इसकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल मोटर तक पहुंचाई जाती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रोटेशनल मोशन को जनरेट करता है और व्हील्स को रोटेट करने में हेल्प करता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक गाड़ी का बेसिक। अब आते हैं हाइड्रोजन गाड़ियों पर, जो कि ईवी का एक टाइप ही है। हाइड्रोजन कार की टेक्नोलॉजी, जो कि है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, एकदम से ही कहीं से नहीं आई है, बल्कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही हमारे साथ है। जब 1966 में GMC ने इलेक्ट्रोवान को अनकवर किया, तो ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम ऑटोमोबाइल में दिखाई गई। वैसे तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी 1960 से एक लंबा सफर अब तक तय कर चुकी है, लेकिन इसके मेन पैरामीटर्स अभी भी वही हैं, जहां गैस और बैटरी दोनों के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया जाता है। बस फर्क इतना है कि इसके काम करने का तरीका और कंपोनेंट्स थोड़ा सा अलग हो गए हैं। पॉपुलर हाइड्रोजन कार को टेक्निकली फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल या कहीं FCEV भी कहा जाता है। अब बात करें कि हाइड्रोजन गाड़ियां आजकल की ईवी से अलग क्यों हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन गाड़ियां लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर ना होते हुए फ्यूल सेल का यूज करती हैं। बैटरी पैक की जगह यहां पर हाई प्रेशर हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक लगे होते हैं, जो कि हल्के होने के साथ साथ काफी मजबूत मटेरियल जैसे कि कार्बन फाइबर या मेटल अलॉय से बनाए जाते हैं। इसमें एक फ्यूल सेल यूनिट भी होता है, जिसे आप गाड़ी का दिल कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे सारा जादू होता है।
हाइड्रोजन टैंक से हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल यूनिट में पास कराई जाती है, जहां इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन की हेल्प से हाइड्रोजन गैस को ब्रेक किया जाता है, जहां उसके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वहीं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर हाइड्रोजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलाकर वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। गाड़ी को चलाने के लिए या कहीं इतनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक कंप्लीट फ्यूल सेल सिस्टम में कई सौ मेम्ब्रेन स्टैक की जाती है। इस तरह के सिस्टम के एक्स्ट्रा पावर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बैटरी भी प्रोवाइड की जाती है। जब फ्यूल सेल्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम ज्यादा पैदा हुई पावर को बैटरी में स्टोर कर दिया जाता है। इन गाड़ियों का जो बाय प्रोडक्ट एमिट होता है वो होता है शुद्ध पानी, जो इस सारे प्रोसेस को ट्रूली जीरो इमर्शन बना देता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी रियली में कार्बन इमर्शन और क्लाइमेट चेंज इन सारे कंसर्न का यही सलूशन है, तो इसको मास प्रोड्यूशन पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका भी एक बड़ा रीजन है कि स्टार्टर्स के लिए हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि हाइड्रोजन यूनिवर्स का मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, यानी कि हमारे प्लैनेट पर लगभग कहीं भी मिल जाता है, लेकिन प्योर फॉर्म में ये बहुत रेयरली पाया जाता है और इस सब्सटेंस को आइसोलेट करने के लिए बड़ी मात्रा पर एनर्जी की जरूरत होती है। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा पॉपुलर मेथड है जिससे हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव मेथड होता है। रिसेंटली साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में काफी एडवांसमेंट कर ली है। हाइड्रोजन बनाना एक ऐसी बाधा है जिसका ऑटोमेकर्स लगातार सामना कर ही रहे थे, लेकिन इस रिएक्टिव गैस को ट्रांसपोर्ट करना और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ अब रिफ्यूलिंग स्टेशन के पास ऑन साइट पर ही ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की क्षमता होगी, जहां सोलर एनर्जी से ये स्टेशन केवल पानी और निकल आयन कैटलिस्ट से फ्यूल को प्रोड्यूस कर पाएंगे। साल 2015 से 3 हाइड्रोजन पावर्ड कार सेल के लिए निकल चुकी है, जो कि है होंडा क्लैरिटी फ्यूल सेल, ह्युंडई नेक्सो एक्सयूवी और टोयोटा मिराई। ह्युंडई की अब तक 10,000 नेक्सो एक्सयूवी बिक चुकी है। वहीं सबसे आगे रही है टोयोटा की मिराई, जो कि अब तक 21,000 से ज्यादा बिक चुकी है। बात करें बड़ी कंपनीज जैसे कि BMW, मर्सिडीज और लेक्सस, तो ये कंपनीज भी आने वाले सालों में अपनी फ्यूल सेल गाड़ियों को रिलीज करने में काम कर रही है। यूके ने 2021 में अपनी पहली हाइड्रोजन स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी, जिसमें उनका मेन एम है 2030 तक यूके को दुनिया का लीडिंग हाइड्रोजन पावर बनाना। और वहीं जापान की बात करें तो ये एक और ऐसा देश है जो डेफिनेटली हाइड्रोजन पहल में फ्रंट रनर्स में रह चुका है, जिसका एम है 2030 तक 900 स्टेशंस का नेटवर्क बनाना, जो लगभग 800,000 फ्यूल सेल गाड़ियों को सपोर्ट करेगा। टोयोटा ने 2014 में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड मिराई लॉन्च की थी और ये अभी तक की टॉप मास प्रोड्यूस्ड FCEV में से रह चुकी है। वहीं इसके 2 साल बाद यानी कि 2016 में होंडा ने भी एक FCEV लॉन्च की। फ्रेंच कंपनी रेनॉल्ट ने अपनी एल्पाइन फॉर्मूला 1 टीम के लिए F1 हाइड्रोजन कार का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जिसके आते ही सारी सीमाएं और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं फ्रेंच मैन्युफैक्चरर ने पिछले साल 2022 में पेरिस मोटर शो में रेनॉल्ट मास्टर वैन H2 टेक को रिलीज किया, जिसमें रिफ्यूलिंग टाइम कम से कम 3 मिनट का ही था। निकोला मोटर कंपनी ने हाल ही में बॉश के साथ मिलकर निकोला 2 नाम से फ्यूल सेल पावर ट्रेन को डेवलप किया है, जो दुनिया का पहला 40 टन फ्यूल सेल ट्रक है और ये नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 को लॉन्च किया जाएगा। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैन्युफैक्चरर्स के लिए सस्ती होती जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेकर्स ने हाइड्रोजन गाड़ियों को पब्लिक के लिए रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। BMW, मर्सिडीज और लेक्सस जैसी और मैन्युफैक्चरर्स भी आने वाले सालों में फ्यूल सेल्स गाड़ियों को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हमारे एनवायरमेंट पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ऐसा लगता है कि आने वाले दशकों में हाइड्रोजन गाड़ियां पूरी तरह से अपनी जगह बनाने वाली हैं।
वहीं हाइपरशन XP1 सुपरकार प्राइम एग्जांपल है कि हाइड्रोजन फ्यूल पावर के मामले में हमें क्या पेश किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल अभी भी कंटिन्यू इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम कार्स और लग्जरियस हाइपर कार से लेकर ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियों तक इन्हें फ्यूचर में आते हुए देख सकेंगे। हाइड्रोजन कार से जुड़ी कुछ जानकारी सिंपल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी गई है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं और साथ ही आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।